गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं। राज्य में दोनों चरणों में 182 सीटों पर मतदान हुआ। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में अब की बार बीजेपी की प्रचंड वापसी के संकेत मिल रहे हैं। प्रो इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं वो देखने को मिल रही है। अगर आप एग्जिट पोल के साथ जाए, आज तक एक्सिस माई इंडिया ने गुजरात में 42,156 लोगों से बात करके ये निष्कर्ष निकाला है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है और इस बार फिर से राज्य में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ते हुए नजर आ रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में गुजरात के सबसे सटीक चुनावी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को 129 से लेकर 151 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीटें और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। गुजरात में पिछली बार आपको बता दें बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। वहीं इस बार गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा को 46%, कांग्रेस को 26%, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल के माने तो बाकी जो दल हैं उनको 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अब देखिए, पिछले 27 साल से बीजेपी गुजरात की गद्दी पर काबिज है और आमतौर पर देखा जाता है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस जो है वो जंग रहती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने राज्य में चुनावी मुकाबले को एक तरह से त्रिकोणीय बना दिया। पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेहद आक्रामक होकर राज्य में खूब प्रचार किया है। इस बार की बात करें तो अपर कास्ट, अगर आप एग्जिट पोल के साथ जाए तो अपर कास्ट, ओबीसी और पाटीदार वोट बीजेपी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस को मुस्लिम दलित वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो हिंदुत्व राजनीति थी वो फ्लॉप होती नजर आ रही है। नोट पर लक्ष्मी गणेश की बातें हों या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना और साथ ही साथ बिल्किस बानो के कॉन्विक्ट की रिहाई पर चुप्पी साधना आम आदमी पार्टी को सूट नहीं करती दिखाई दे रही। उल्टा कांग्रेस और बाकी पार्टीज को मुस्लिम दलित वोट चले गए हैं, वोट जो है एक तरह से बढ़ गए यहाँ। और बताएं आपको कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में फ्री बिजली समेत कई बड़े बड़े वादे किए थे। बीजेपी के गढ़ में किला फतेह करने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ताबड़तोड़ कई दौरे किए। हालांकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव घोषित होने के बाद केजरीवाल को वहां भी फोकस करना पड़ा था। आपने फ्री बिजली के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा का दिल्ली मॉडल लागू करने की भी बात की। इसके अलावा पार्टी ने हर सरपंच को 10,000 रुपए सैलरी और बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने का भी वादा किया था, लेकिन एग्जिट पोल्स की माने तो अभी भी बीजेपी में विश्वास है गुजरात के वोटर्स का। चुनाव में 28% स्केड्यूल कास्ट, 33% स्केड्यूल ट्राइब, तो वहीं 57% ओबीसी और 47% ठाकुर वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस को 35% एससी, 27% एसटी और 22% ओबीसी और 29% ठाकुर वोट मिलने के अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 30% एससी, 31% एसटी, 14% ओबीसी और 16% ठाकुर वोट मिलने के अनुमान है। इन चुनावों को 4 टुकड़ों में अगर बांटे तो पहले हिस्से में बात सौराष्ट्र और कच्छ की। यहाँ की 54 सीटों में भाजपा को 42 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, आपको 3 सीटें, तो बाकी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। उत्तरी गुजरात की 28 सीटों में से 27 पर भाजपा के जीतने का अनुमान है। इसके अलावा 8 सीटों पर कांग्रेस, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। सेंट्रल गुजरात की बात करें तो 65 सीटों में से भाजपा के खाते में 52 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, 7 पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा सेंट्रल गुजरात की 65 सीटों में से 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। साउथ गुजरात आ जाइए, 35 सीटों में से 29 पर भाजपा की जीतने का अनुमान है। इसके अलावा 2 पर कांग्रेस जीत सकती है, तो वहीं 3 सीटें आपके और 1 सीट अन्य के खाते में। तो जो 4 रीजन में परफॉर्मेंस हुई है एग्जिट पोल के मुताबिक, आपको बता दें बीजेपी ने यहाँ पर सभी जगह काफ़ी अच्छा किया है। सौराष्ट्र और उत्तर में कांग्रेस ने आपसे बेहतर परफॉर्म किया है। मध्य गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी बराबरी पर कहीं ना कहीं है। वहीं दक्षिण में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बेहतर किया है।